यूएसए का टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरी प्रोसेस बात करूंगा और साथ में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ज्यादातर लोग डरते हैं कि यूएसए का जो वीजा होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू होता है और हर बंदा किसी को फेस करने से हमेशा डरता है। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ही हम आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वीज़ा कब मिलेगा, जब आप अप्लाई करेंगे। विदाउट अप्लाई किए तो कोई वीज़ा मिलेगा नहीं, और यूएसए टूरिस्ट वीज़ा की प्रोसेस भी उतना ही इजी है जैसा बाकी कंट्री का, और वही सेम डॉक्यूमेंट अगर जो कनाडा में चाहिए उसी डॉक्यूमेंट की जरूरत यूएसए में भी है। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यूएसए के लिए क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? देखिए, आपको उन्हीं क्वेश्चन का जवाब देना है जो आपने DS-160 में फिल किए हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा है उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट अर्ली नहीं मिल पाती। आज हम अप्लाई करते हैं तो 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। तो ये अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको विद इन 2 मंथ अपॉइंटमेंट देकर लेकर हम देंगे आपको, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी। 2 महीने में ज़्यादातर चांस है, और नहीं तो 3 महीने में तो आपको पक्का आपको मिल जाएगा अपॉइंटमेंट। तो अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं और डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं? देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट तो वही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी ITR, आपके फंड, आपका प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो CA जो रिपोर्ट बनाता है, और उसके बाद आपके ट्रैवल हिस्ट्री और आपका फैमिली डिटेल, ये सब डॉक्यूमेंट उसमें लगता है। तो क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि आप यूएसए का ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं? ऐसे कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आप अपनी एक्सप्लेन करेंगे? किसमें एक्सप्लेन करेंगे आप ये बातें? जो DS-160 है उसमें जो आप अपना जो प्लान बताएंगे उसमें ये चीज़ें आप एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन से ऐसे मतलब यूनिक टूरिस्ट प्लेस हैं यूएसए में जो आपको देखने चाहिए। हर कंट्री ये चाहता है कि उसके यहाँ पर टूरिस्ट आए, हर कंट्री अपने जो टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वीज़ा रिजेक्ट हो, कोई भी काउंसलर ये नहीं चाहता कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे, लेकिन उनको सर्च रहता है एक होनेस्ट और रियल ट्रैवलर का। क्योंकि इंडिया से और ख़ासकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये तेलंगाना, ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से रियल ट्रैवलर बहुत कम जाते हैं, और ये कह लीजिए कि वहाँ पर सेटल होने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इंटरव्यू हमें फेस करना पड़ता है और रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्यों आप जाना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, कौन से स्थान आप घूमना चाहते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना ईयरली टर्नओवर कितना है। कम से कम भी 15 लाख 20 लाख के बीच में आप अपना टर्नओवर दिखाएं, क्योंकि इससे ही लगेगा कि आप यूएसए का टूरिज्म कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जाने के 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तो खर्च हो जाएगा टिकट और इन चीज़ों का। उसके बाद वहाँ का अगर आपने 15 दिन का भी प्लान दिखाया है तो उसमें भी आपको 3 से 4 लाख रुपए खर्च होगा। अगर जिसका 15 लाख का टर्नओवर होगा वही बंदा शायद ये सोच सकता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका यूएसए में कौन रहता है। देखिए, ये इस क्वेश्चन के जवाब में आपको ऑलवेज यही बोलना है कि मेरा यूएसए में कोई नहीं रहता, सब इंडिया में ही रहते हैं। क्योंकि जब आपके जो काउंसलर हैं उनको ये लगेगा कि आपकी कंट्री टाइज बहुत मजबूत हैं, कि आप वहाँ पिसाएंगे क्योंकि आपकी फैमिली इंडिया में ही हैं, तो आपको अपनी कंट्री टाइज स्ट्रोंग बताना है, स्ट्रोंग दिखाना है। आपको यहाँ पर ऐसे सोर्स दिखाने हैं जिनके बल पर आप आराम से वहाँ पर यूएसए जा सकते हैं, और वहाँ से आप वापस आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपको यूएसए में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका यहाँ पर ही अच्छा सेटल है। हर कंट्री यही चाहता है कि जिस बंदे को वीज़ा दिया जाए उसके कंट्री टाइज स्ट्रॉन्ग हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंट्री टाइज पर ही पूछे जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आपको अपना कंट्री टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग शो करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपना एक ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। मैंने कई बार एक पहले भी एक वीडियो बनाया है कि अगर आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही मतलब नॉमिनल प्राइस पर अच्छे जो पैकेज आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कंट्री का टूर होगा, पूरा प्लान होगा। आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो कम से कम एक ट्रिप आपके पास होनी चाहिए 2-3 कंट्री की उससे पहले, ताकि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि इससे पहले मैंने यहाँ यहाँ का ट्रैवल किया है और मैं वापस अपनी कंट्री आया हूँ। कोशिश तो यही करें कि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री जैसे चाइना, जापान, कोरिया,
तुर्की, इन कंट्री का, सिंगापुर, इन कंट्री का टूर आपके पास हो तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद आपका ऑलवेज आप जब DS-160 फिल करें तो आप कम समय का ट्रैवल प्लान वहाँ का दिखाएं, ये नहीं कि आप वहाँ पर 1 महीने का, 1.5 महीने का दिखाएं, ना 15 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिखाएं कि मैं 15 दिन वहाँ पर जाने वाला हूँ और 15 दिन में फटाफट ये करने वाला हूँ। आपको अपनी ट्रैवल जो आइटनरी बनानी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप USA का टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर हैं, तो इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए, अपना DS-160 अप्लाई करवाने के लिए, और कंप्लीट पैकेज के लिए भी आप इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू।